अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं नासर राजा और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मोहम्मद सुमैर एफएम 100 इस्लामाबाद और जो आप माइक के जरिए भी हम आप तक पहुंच रहे हैं और हमारे खसूसी पेजेज हैं, खास तौर पे फेसबुक पेज है जिसको आप लॉग इन कर सकते हैं facebook.com/fm247365 और यूट्यूब पे हमारा चैनल आप लॉग इन कर सकते हैं FM100 पाकिस्तान और वेब टीवी पे www.fm100pakistan.com। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सुमैर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद सुमैर, ये हमारे लिए और हमारे सारे शायकीन के लिए थोड़ी सी दुख वाली खबर है, थोड़ी सी तकलीफ खबर है जो आज सुबह से हमने सुन रखी है कि पीएसएल को फिलहाल मनसूख कर दिया गया है। इसके मैचेस जो दो सेमीफाइनल हैं और एक फाइनल है वो फिर किसी अच्छे वक्त में इंशाल्लाह ताला जरूर मुनक्कद होंगे। तो हमें सबको दुखी होने की बजाय दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना वायरस की, इससे अच्छे तरीके से निकाल ले और हम सब लोग महफूज रहें, हमारा मुल्क महफूज रहे, सारी दुनिया के लोग महफूज रहें, ताकि ये दुनिया की जो खुशियाँ हैं, जो दुनिया का प्यार है, जो दुनिया की मोहब्बत है, ये कायम और दायम रहे। क्या कहेंगे सुमैर जी? बिल्कुल, इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि पीएसएल के जो लास्ट 3 मैचेस थे वो नहीं हो सके हैं, बट ऑब्वियसली हेल्थ कम्स फर्स्ट और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट वाज अ टाइमली डिसीजन बाय द मैनेजमेंट कि उन्होंने पोस्टपोन किया है टूर्नामेंट, एंड दिस इज द पॉजिटिव न्यूज़ कि कैंसिल नहीं हुआ है जी, पोस्टपोन हुआ है, बट ये कि जो उसकी डेट्स हैं जिसमें दोबारा इंशाल्लाह ताला कराया जाएगा उसकी अभी अनाउंस होनी है, सो लेट्स सी कि कब होता है इंशाल्लाह, और अल्लाह सुबहान तआला जो है वो खैर आफियत रखे और सबको हमें इस वबा से बचा कर रखे। चलिए, ये एक खबर थी जो सब ने सुनी होगी और जिन्होंने नहीं सुनी उन तक भी पहुंच गई है। इंशाल्लाह ताला जल्द हम ये खुशखबरी सुनेंगे और जल्द ये रौनकें बहाल होंगी। पहले भी हमारे मुल्क से ये स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट खास तौर पे चला गया था और अब के भी आया और बड़ी खुशियां हमने मनाई, लेकिन शायद नजर लग गई और थोड़ी अरसे के लिए फिर मौकूफ हुआ है, लेकिन ये दोबारा इंशाल्लाह ताला जरूर आएगा। तो हम थोड़ा सा मुख्तसरन आपको ये बता दें कि आज जो दो सेमीफाइनल खेले जाने थे, यानी जिन चार टीमों ने क्वालिफाई किया था, उनका बताते हैं, फिर हमें एक ब्रेक पे जाना है और क्विक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी और तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। जी बताइएगा कि आज पहला सेमीफाइनल जो 2 बजे खेला जाने था वो किस किस के दरमियान था? जी, सो पहला सेमीफाइनल जो था वो दैट वाज टू बी प्लेड बिटवीन पेशावर ज़ालमी एंड मुल्तान सुल्तान्स, और जो सेकंड सेमीफाइनल था वो था लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान, जो कि ऑब्वियसली अब पोस्टपोन हो गया है। अच्छा, चलिए ये भी जल्दी से बता दीजिए कि आपके ख्याल में कौन सी दो टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था? सो अभी जो चेंजेस हुई थी उसके अंदर जो टीम्स के ओवरसीज प्लेयर्स चले गए थे, सो उसके अंदर लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स को अगर देखें तो इवन स्टीवंस है दोनों का, इतना ज्यादा फर्क नहीं है दोनों की परफॉर्मेंसेस के अंदर या प्लेयर्स के अंदर, वेयर एज अगर ज़ालमी और मुल्तान सुल्तान को देखें तो ओवरसीज प्लेयर्स के जाने के बाद पेशावर ज़ालमी की टीम ज्यादा स्ट्रांग लग रही है कम्पेयर टू मुल्तान सुल्तान। चलिए अमित जनाब, एक जल्दी से एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है और ब्रेक से वापस आके अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एफएम 100 इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है, मुझे कहते हैं नासर राजा, मेरे साथ मोहम्मद सुमैर और जनाब छोटी सी ब्रेक। ऑन द वे फॉर कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। सिपोना कहवा असली और बेहतरीन चुने गए अज्जा का ब्लेंड। हेल्दी लाइफ का मजा लीजिए, रोज सिपोना कहवा पीजिए। हाय, हेलो, कैसे हो? इतने दिन से मिले ही नहीं। हाँ, तो संडे को ब्रंच करो ना। संडे नहीं, मंडे कर लो। क्यों? संडे को लॉन्ड्री डे होता है। इतने इजी काम को कितना मुश्किल क्यों बनाया है? अपनी मशीन चेंज करो। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनी टॉलन्स फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसकी ट्रिपल वाटरफॉल टेक्नोलॉजी बनाए आपकी लॉन्ड्री को और भी आसान। तो अब लॉन्ड्री के लिए ना करना पड़े वेट और ना ही हो आपका संडे वेस्ट, क्योंकि टॉलन्स रिलायबल है। दौड़ी जाए बिना स्टॉप के, हमको बढ़ाए जिंदगी की गाड़ी चलाए। AGS, AGS, छटके पटके खूब संभाले, टूटा फूटा रूट निभाले, कड़ी धूप में स्नोफॉल में परफॉर्मेंस में फर्क न लाए। AGS, AGS।
life's a full stop mitaye AGS AGS oh 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 AGS AGS oh 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 guzishta 50 saalon se hamari quality ka safar bulandi ki janib gamzan hai taake badhti rahe life ki gaadi aur gaadi ki life AGS baat hai quality ki Sat-in, browsing, calling, texting, music, chatting, video, streaming, Sat-in, browsing, calling, texting, music, chatting, video, streaming. Jazz Weekly Super Plus, अब सिर्फ 222 रुपए में. मिलाओ, *505#, Jazz, दुनिया को बता दो. कराची तक आपका हम सफर जार शाजामा दगाड़े हार शाजामा वो कदे मिलता हसन रैन न जागे जागे ना रैन न जागे Visit our website www.fm100pakistan.com. Like us on Facebook, FM247365. Follow us on Twitter, FM_100_Pakistan. Follow us on Instagram, FM100pakistan. Subscribe to our YouTube channel, FM 100 Pakistan. Download FM 100 mobile app right now from your app store. Welcome to FM 100 network. Listen live your favorite station. Latest news. किसने कहा था पैसे बचा फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या हो देखो पाकिस्तान एक मरतबा फिर FM 100 इस्लामाबाद से आपको वेलकम कहते हैं और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद सुमैर मुझे कहते हैं नासिर राजा PSL का खसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जो कि इस सिलसिले का आज आखिरी प्रोग्राम है और इंशाल्लाह ताला जब ये क्रिकेट बहाल होगी जब दोबारा इन ग्राउंड्स की इन स्टेडियम्स की रौनक बहाल होगी रौनकें लौट के आएंगी तो फिर आपके साथ क्रिकेट के साथ और अपने तजियों और तबसरों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और आपसे बहुत सारी बातें शेयर करेंगे आज चूँकि हमारे इस प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है तो हम चाहेंगे कि इसको कंक्लूड करें और अपने जो हमारे मायर हैं मोहम्मद सुमैर उनसे पूछें कि अब तक जो मैचेस हुए हैं उनके बारे में इनकी राय क्या है सो तमाम के तमाम मैचेस जैसे आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह खेले गए और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही टीम्स की चाहे बैट की बात करें या बॉलिंग की बात करें सो हमारे पास यंगस्टर्स जो थे जिस तरह के आपको मालूम है कि PSL के अंदर जो है वो इमर्जिंग प्लेयर्स की कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी और उसका बहुत हमें फ़ायदा हुआ है इस साल भी माशाल्लाह जो प्लेयर्स हैं यंगस्टर्स हमें नज़र आए हैं जो कि परफॉर्मेंस देते हुए हमें दिखाई दिए इस PSL सीज़न के अंदर सो जनरली स्पीकिंग बड़ा एंगेजिंग
अमेजिंग था जी, और ग्राउंड्स जो थे वो माशाल्लाह हमने देखा है कि जैम पैक थे और बड़ी इंगेजमेंट रही, जो लोग ग्राउंड के अंदर थे, जो लोग ग्राउंड से बाहर थे टीवी स्क्रीन के सामने थे, या जैसे आप लोग थे जो कि हमें यहाँ पे देख रहे थे एफएम 100 की लाइव ट्रांसमिशन के अंदर. सो एवरीवन वाज इन्वॉल्वड और बड़ा ज़बरदस्त रहा. जिस तरह के प्लेयर्स ने भी इस बारे में फीडबैक दिया है कि पीएसएल की जो बॉलिंग है या पीएसएल में जो बॉलर्स हैं वो बहुत क्वालिटी के बॉलर्स हैं कंपेयर टू अदर लीग्स अराउंड द वर्ल्ड. सो ये एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि जी बड़ा कंपैरेटिव एटमॉस्फेयर रहा और टीम्स ने हमें हैरान किया. लाहौर कलंदर्स को हमने देखा किस तरह जबरदस्त उन्होंने जो था कम बैक किया है और दे आर ऑन देयर वे टू यू नो विन पीएसएल 5 जब भी ये दोबारा से मुनाकिद किया जाता है. जी जनाब, सुमैर साहब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये बड़े क्वालिटी मैचेस थे, बड़े कांटेदार मुकाबले थे, बड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा हमें देखने को मिला, चाहे वो बैट के जरिए था, चाहे बॉल के जरिए था, चाहे फील्डिंग थी, चाहे कैचेस थे, चाहे डाइविंग थी और चाहे आपस में टकराने का मंजर था. और जनाब दूसरी अच्छी बात ये भी थी कि आपने देखा कि हमारे स्टेडियम्स पूरी तरह भरे हुए थे और लोगों ने बड़े जोश व खरोश का मुजाहरा किया, अपनी जो है एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहरा किया, अच्छे अंदाज में मैच देखा, अच्छे अंदाज में टीमों को बैकअप किया. उनका अंदाज इतना भाया जो फॉरनर्स खिलाड़ी थे उन्होंने जाते जाते हुए भी इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस इन शायकीन के सामने, इन स्पेक्टेटर्स के सामने, इन क्रिकेट लवर्स के सामने जो उन्हें खेलने का मज़ा आया वो हमेशा उनको याद रहेगा. और दूसरी बात ये भी थी कि इसमें कुछ ऐसे प्लेयर हमें नज़र आए, ऐसे प्लेयर हमें मिले जिनकी परफॉर्मेंस ने ये हमें बताया कि हमारा फ्यूचर जो है क्रिकेट में वो इंशाल्लाह ताला ताबनाक है और हमें अच्छे प्लेयर्स मिले हैं. खासतौर पर फास्ट बॉलिंग में हमारे पास एक भरपूर स्क्वाड आ गया है और हमें अब हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसके लिए बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी. सुमैर, मेरा ख्याल आप भी इससे इत्तफाक करेंगे कि किसको बाहर बिठाएं और किसको सिलेक्ट करें. लेकिन इसी वजह से हम अपने प्रोग्राम में ये तवातर से कहते रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन कमेटी को और हमारी टीम मैनेजमेंट को अब ये फैसला करना है कि सारों को इस्तेमाल करना है और उनको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है. इस तरीके से उनको इस्तेमाल नहीं करना कि कोई ज़ख्मी हो जाए या एक पे सारा प्रेशर आ जाए या एक पे सारा दबाव आ जाए और वही खेलता रहे और थोड़े से बाद पता चले कि वो कह के जी मैं अब खेलने से कासर हूँ. तो हमें अल्लाह ताला ने जो इस टैलेंट का ये पूल दिया है हमें इसे बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है. हमें बैट्समैन बड़े अच्छे अच्छे मिले हैं. हमें हैदर की शक्ल में एक बहुत अच्छा बैट्समैन मिला है. हमें खुशहाल नाम था खुशदिल शाह की शक्ल में एक बहुत अच्छा बैट्समैन मिला है. बड़े अच्छे बंदे हैं वो मिले हैं, बड़े अच्छे प्लेयर मिले हैं. तो हमें एक कॉल की तरफ जाना है और कॉल से जब वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मजीद बात करते हैं. देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम. जी रिजवान जोजी साहब, आपको आपको खुश आमदीद कहते हैं. आज चूंकि हमारे इस खुसूसी ट्रांसमिशन का आखिरी प्रोग्राम है और आप चूंकि तसलसल से हमारे साथ मौजूद रहे, हमें अपनी राय देते रहे, तो हमने कहा कि आज इस जो सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है उसमें आपकी राय और अब जो एक सिनेरियो बना है उस पर आपकी राय लें और अपने शायकीन तक, अपने नाजरीन तक, अपने सामीन तक पहुँचाएं. तो क्या कहेंगे, अब ये पोस्टपोन हो गया सारा सिलसिला? देखें, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल सही डिसीजन. जी बहुत अच्छा डिसीजन जी, क्योंकि वो तो जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. सही. तो जब अगर कोई एक फॉरेन प्लेयर सस्पेक्ट हो चुका हुआ था और उसमें सिम्टम्स इसके आ गए हुए थे तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको मजीद कंटिन्यू नहीं कर रख सकता था. और जिस तरह सुबह मैं खुद भी लाहौर में ही हूँ. अच्छा जी. और जब हम स्टेडियम गए तो उस वक्त तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मैच नहीं होगा. लेकिन हाँ, लेकिन नहीं, उस वक्त ये डिसीजन वाकई आज सुबह ही उन्होंने लिया. चारों फ्रेंचाइजेस जो थी सेमीफाइनलिस्ट, वसीम खान ने बताया जो सेमीफाइनलिस्ट थी उनसे मशवरे के बाद, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल सही डिसीजन है कि इसको पोस्टपोन किया. अब ये होगा कब और ये कैसे होगा, इसकी मोडलिटी तो जाहिर है ओवर अ पीरियड अभी नहीं कहा जा सकता. ठीक है, और अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस बारे में. अच्छा, थोड़ा सा मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसीम खान ने, उनके हवाले से थोड़ा सा मैं बता दीजिए, फिर आपसे मजीद सवाल करते हैं कि उन्होंने क्या खास बातें की जो इस बात से हट के थी. नहीं, उन्होंने कुछ भी मैंने उनसे बल्कि पर्टिकुलरली पूछा कि भाई इसमें आपकी पंजाब गवर्नमेंट की जो पहले वो थी कि आप करवा सकते हैं इसको क्लोज डोर्स, तो क्या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आई थी? तो उन्होंने क्लियरली कहा कि नहीं, क्योंकि वो जो सिम्टम्स जिस फॉरेन खिलाड़ी में पाए गए थे वो जब हमें आज सुबह रिवील हुआ पिछले 24 घंटे के दौरान, तो हमने ये डिसीजन लिया. तो पंजाब गवर्नमेंट का और सिंध गवर्नमेंट का और उनका हमें बहुत ज्यादा कॉपरेशन हासिल रहा पूरे थ्रू आउट, जब से उन्होंने डिसाइड किया पिछले जुम्मे को जब डिसाइड हुआ था कि क्लोज डोर होंगे. तो ये बड़ा एक कलीदी है कि इसमें कोई गवर्नमेंट का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं था, क्योंकि वो
प्लेयर में खिलाड़ी में ये सिम्टम्स आए थे और अभी भी उस खिलाड़ी का जो टेस्ट होना है वो उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। सही सही, लेकिन इस वजह से जो है ये पोस्टपोन किया। अच्छा रिजवान साहब, ये तो अब अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है और इंशाल्लाह ताला ये दोबारा वक्त आएगा, जैसे पहले खोया वो वक्त हमारे पास वापस आया और हमारे शायकीन ने बड़े मजे से मैचेस देखे, इंशाल्लाह दोबारा ये वक्त आएगा। मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मैचेस हुए, जो मुकाबले हुए जिसमें खिलाड़ी आए, उसका मयार कैसा था? आप एक बतौर सीनियर जर्नलिस्ट और आप एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के लिए काम करते हैं, सारी दुनिया का सफर करते हैं, उसके बारे में हमारे शायकीन को और नाज़रीन को और सामईन को आगाह कीजिएगा। पहले तो राज साहब मुझे कोई शर्म नहीं है माफी मांगने में आपसे भी और आपके सामने से भी। मैंने बड़ा पहले आपको कहा था कि लाहौर कलंदर शायद नहीं पहुंच सकेगी, सही। तो उसने साबित किया कि नहीं, जो डेटा वाली टीम है, एक दफा शायद आपको याद होगा जिस समय इस्लामाबाद यूनाइटेड पर मैं बात करता था कि उन टीमों को भी पछाड़ कर और वो टीम जो है सेमीफाइनल तक पहुंची थी। तो जो छोटी छोटी इस तरह की कामयाबियां थी, जिस तरह लाहौर कलंदर का स्पेशली जो ऊपर आना था और उनको अपने ही शहर में लाहौर में बल्कि हर जगह के ऊपर, हालांकि वो सबसे लोली रैंक टीम थी, सही, उसके बावजूद जिस तरह तमाशाइयों ने सपोर्ट किया और लोग आए सारे मैचेस देखने, वो एक बहुत ही काबिले दीदनी बात जी, सही, क्योंकि शुरू में जिस तरह मैचेस वो हार रही थी टीम, तो मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इनके मैचेस देखने लोग नहीं आएंगे, सही। लेकिन जिस भरपूर अंदाज में उनको क्राउड का बैकअप मिला था और जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही थी। तो क्राउड का मेरे ख्याल में तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है और ग्राउंड्समैन का इसमें बहुत ज्यादा हाथ है, जिन्होंने इतनी बारिशों के बावजूद उन ग्राउंड को इतना टाइमली तैयार किया, इतनी तेज बारिश हुई, जिस तरह आपने देखा था पिंडी में और लाहौर में जो आखिरी के मैच थे वो काफी मुतासर हुए थे, सही फरमा रहे, लेकिन उसके बावजूद 9 ओवर 12 ओवर 16 ओवर के मैचेस हुए, सही। तो वो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा, और पीसीबी ने बड़े अच्छे तरीके से इस मेगा इवेंट को हैंडल किया जो पहली मरतबा इस तरह पाकिस्तान में हो रहा है, तो मेरा ख्याल है उनको भी उनकी तारीफ करना भी बनती है। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि मुझे 2-3 ऐसे प्लेयर्स बता दें जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, जिन्होंने आपको बहुत मुतासर किया हो, चाहे वो पहले भी कौमी टीम में खेलते हों और या उभरते हुए नए खिलाड़ी हों। नहीं, दो पर्टिकुलर प्लेयरों के मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगा, एक तो हैदर अली है पेशावर जल्मी से जो खेला, जी जी, वो उस बच्चे में बहुत ज्यादा स्पार्क है, उसको चांस जरूर मिलना चाहिए। रिजवान, मोहम्मद रिजवान जो कि कराची किंग्स के पाकिस्तान की टीम के विकेट कीपर है, क्योंकि उनको बिल्कुल चांस नहीं मिल रहा था, तो मैंने मेरे ख्याल में तो जीशान अशरफ जो मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। खुशदिल शाह है जो हमारे बहुत अच्छे बैट्समैन के रूप में, अचानक ही नमूदारों में 70 रन के वजन 29 बॉलों पे उसने नहीं खेली, बड़े माइटी है, ताकतवर है, ताकत में है, जोर में। देखें यूएई में जितने भी दफा ये 4-5 साल से टूर्नामेंट हो रहा था, हमें सिर्फ बॉलर्स मिल रहे थे, सही, हसन अली मिले, हमें शादाब मिले, हमें हसनैन मिले, इस तरह के बॉलर्स ही आ रहे थे, बैट्समैन नहीं आ रहे थे। लेकिन इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान में टूर्नामेंट कराने का हमें ये फायदा हो गया, हमें कम अज कम इस तरह के 2-3 अच्छे बैट्समैन नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान जोशी साहब आपके वक्त का, और आपने सारे टूर्नामेंट में हमारे साथ साथ दिया, हमारा हमारे शायकीन को, हमारे सामीन को, हमारे नाजरीन को अपनी कीमती आराह से आगाह करते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। होता है इस तरह होता है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो जनाब ये थे हमारे माहिर रिजवान जोजी जो एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के साथ एज ए स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट काम करते हैं। तो अब हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है जनाब, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपसे मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। FM 100 इस्लामाबाद। On the way for commercial break. Stay tuned. किसने कहा था पैसे बचा, फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या होगा, चलेगी नहीं दौड़ेगी, फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा, रिक्शा ट्रक हो या हो जीप, चलेगी रोड पे बीचो बीच, UPS में लगे जनरेटर में और सोलर में, बंद हो कभी ना किसी सेलिब्रेशन में, शहर या गोट में लगेगी बोट में, इसको ना करे कोई बीट, फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। सात दिन ब्राउजिंग, कॉलिंग, टेक्स्टिंग, म्यूजिक, चैटिंग, वीडियो, स्ट्रीमिंग, जागो, सात दिन ब्राउजिंग, कॉलिंग, टेक्स्टिंग, म्यूजिक, चैटिंग, वीडियो, स्ट्रीमिंग,
वीकली सुपर प्लस अब सिर्फ 222 रुपए में। मिलाओ *505# जैज दुनिया को बता दो। हाफ सेल्फ पे दौड़ी जाए बिना स्टॉप के हमको बढ़ाए जिंदगी की गाड़ी चलाए AGS छटके पटके खूब संभाले टूटा फूटा रूप निकाले कड़ी धूप में स्नोफॉल में परफॉर्मेंस पे फर्क न लाए AGS AGS जापानी टेक्नोलॉजी ऐसी चले ये लंबी दोस्ती जैसी साथ निभाए चलती जाए लाइफ से फुल स्टॉप मिटाए AGS AGS ओ गुज़िश्ता 50 सालों से हमारी क्वालिटी का सफर बुलंदी की जानिब गामजन है ताकि बढ़ती रहे लाइफ की गाड़ी और गाड़ी की लाइफ AGS बात है क्वालिटी की। हाय हेलो कैसे हो इतने दिन से मिले ही नहीं। हाँ तो संडे को ब्रंच करो ना। संडे नहीं मंडे कर लो। क्यों संडे को लॉन्ड्री डे होता है। इतने इजी काम को कितना मुश्किल क्यों बनाया है? अपनी मशीन चेंज करो। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनी टॉलन्स फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसकी ट्रिपल वाटरफॉल टेक्नोलॉजी बनाए आपकी लॉन्ड्री को और भी आसान। तो अब लॉन्ड्री के लिए ना करना पड़े वेट और ना ही हो आपका संडे वेस्ट, क्योंकि टॉलन्स रिलायबल है। जी एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एफएम 100 इस्लामाबाद से। मुझे कहते हैं नासर राजा, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद सुमैर। ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने एक मायर एक तजिया निगार जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के साथ एज ए स्पोर्ट्स कॉरस्पॉन्डेंट काम कर रहे हैं रिजवान जोजी, उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने भी इस खुशी का इजहार किया कि इसमें ना सिर्फ हमारे जो शायकीन थे उन्होंने भरपूर साथ दिया, लेकिन जो इदारे थे जैसे सिक्योरिटी के इदारे थे, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था, उन्होंने भरपूर अच्छे तरीके से और ख़ूबसूरती से इस इवेंट को मुनक़द किया। अल्लाह को मंजूर नहीं था, थोड़ा सा आगे चला गया, कब होगा ये इसके बारे में नहीं जानते। और उन्होंने जो बात की कि हमें अच्छे प्लेयर्स मिले हैं, हमारे फ्यूचर के अच्छे प्लेयर्स मिले हैं जो हमारे मुल्क के लिए असासा साबित होंगे, तो ये उनका शुक्रिया। तो एक दफ़ा सुबैर साहब आपसे फिर पूछते हैं कि आप थोड़ा सा बताइएगा कि बैट्समैन की क्या परफॉर्मेंस रही है, बल्लेबाजों की क्या परफॉर्मेंस रही है जिसने आपको मुतासर किया और जो वैसे भी टेबल पे भी नजर आ रहे हों। सो एक मरतबा मेरा ख्याल फिर कॉल हमें मिल गया और हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अब्दुल मोई शाह साहब, उनसे पहले बात कर लेते हैं फिर हम अपनी बात और गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मोई शाह साहब, आपको वेलकम कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि थ्रू आउट इस जितनी भी हमारी खसूसी नशरियात होती थी उसमें आपने हमारा भरपूर साथ दिया, हमारे शायकीन को, हमारे नाजरीन को, हमारे सामईन को आपने भरपूर तरीके से अपनी आरा से, अपने तबसरे से, अपने तजिए से आगाह किया। एक थोड़ा सा अल्लाह ताला के जो फैसले होते हैं उसके आगे हमें सबको सर नगू करना पड़ता है, आज जो फैसला हुआ इसके हवाले से आपकी क्या राय है? जी मेरा ख्याल है ये इट वॉज ओवर ड्यू और एक हफ्ता 10 दिन ये पहले हो जाना चाहिए था। कोई शक नहीं, देखें कि बहुत खतरा है कोरोना वायरस का और पूरी दुनिया में जहां जहां कोई लीग्स हो रही थी, इंटरनेशनल इवेंट्स थे, मैचेस थे, कोई टूर्नामेंट्स थे या कोई इस तरह का कोई और स्पोर्ट्स इवेंट था, जी सब डिले हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं। तो हमें भी मेरा ख्याल है एक हफ्ता 10 दिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देना चाहिए था। और एक दूसरा राजा साहब मैं बात करना चाहूंगा और यहाँ पे जरूरी है कि ये जो कोरोना वायरस है इसका
سب کو علم تھا پچھلے مہینے بھی کہ چائنا میں ریپڈلی یہ پھیل رہا ہے, سب طرف جا رہا ہے, تو ہمیں تھوڑا سا پی ایس ایل کے آرگنائزر کو چاہیے تھا کہ اس کو لمٹ کر کے پی ایس ایل کو ود ان 15 اور 20 ڈیز میں ختم کر دیتے. جی دیکھیں, ایک میچ اگر ایک دن, ہم نے بڑے میچز پی ایس ایل میں دیکھے, ایک دن میں 2 میچز ہیں صحیح, اور ایک دن میں ایک میچ ہے, کافی دن ایسے تھے جن میں ایک میچ تھا, تو صحیح. اس کو 2 میچ کر کے پی ایس ایل کو وائنڈ اپ کرتے 15-20 دن کے اندر اندر, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو وہ ایک ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے, یا اس کے لیے پراپر ٹائملی ڈیسیژن چاہیے ہوتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں لے سکا. پی ایس ایل کپ کی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور لوگ اور پلیئر اپنے 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 گھروں کو جا چکے ہوتے. چلے پھر بھی ہمارے جو شائقین ہیں انہوں نے کافی انجوائے کیا, اور باقی انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ یہ ہمارے اسٹیڈیم بارونق ہوں گے اور اس میں میچز ہوں گے ماشاء اللہ سکسیسفل. دیکھیں سکسیس میں تو کوئی آپ اس پہ تو بات کر ہی نہیں سکتے نا, جتنی پی ایس ایل کی سکسیسفل لانچنگ پاکستان میں, پھر سکسیسفل پی ایس ایل 5 کا انعقاد پاکستان میں, وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے, وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب کے سامنے ہے اور اس کو پوری دنیا نے سرا اپریشیٹ کیا, اور دنیا کے لیے ایک پیغام دیا گیا کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل سپورٹنگ ایونٹ نہیں ہو سکتے, ریناؤنڈ پلیئر آنا کھیلنے کے لیے یہاں کتراتے تھے, تھوڑا جھجکتے تھے, ان کے لیے یہ سارے خطرات ختم ہو گئے, اور آج پی ایس ایل کی سکسیسفل, اس میں دیکھیں یہ کرونا وائرس کا کسی ایک ملک سے تعلق نہیں ہے, یہ کوئی 165 ملکوں تک جا کے پھیل چکا ہے, جی جی, اور اس میں پاکستان یا کوئی دوسرا انڈیویجل ملک اس پہ کسی کو آپ نہیں کر سکتے. وہ ممالک, اب انگلینڈ میں دیکھیں کتنی اموات ہو چکی ہیں, ہمارے تو ابھی تک خدا نخواستہ اور الحمدللہ ابھی بہتر صورتحال, جی, انشاءاللہ زیادہ پھیلنے کا بھی نہیں اور یہ کنٹرول ہو جائے گا پاکستان کی بات. اچھا عبد المعیشہ صاحب, آپ سے جو میں ذرا سوال کرنے جا رہا ہوں ذرا تھوڑا سا مختلف ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جب دوبارہ یہ ہمارے ملک میں انشاءاللہ تعالی لوٹ کے آئے گی پی ایس ایل, ایک تو یہ سیمی فائنلز اور فائنلز ہیں یہ تو اسی طرح ہوں گے, جب اگلے سال انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اس کا انعقاد کرنے جائیں گے, تو کون سے ایسے پلیئرز ہیں, چاہے وہ فارنرز ہیں چاہے پاکستانی ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بس اب ان کو ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے یا ان کو نہیں کھیلنا چاہیے یا ان کو نہیں کھلانا چاہیے؟ اچھا برادر صاحب, ایک تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سیمی فائنل ہوں گے, میرا خیال ہے اب سیمی فائنل نہیں ہوں گے. جی اصل فارمیٹ جو پی ایس ایل 5 کا تھا اور اصل فارمیٹ جو لیگز کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پلے آفس. جی جی, آپ کو پتا ہے کہ یہ پلے آفس کاٹ کے 2 سیمی فائنل اور 1 فائنل رکھا گیا, پلے آفس 3 ہوتے ہیں. جی جی, 3 پلے آفس ہوتے ہیں اور پھر 1 فائنل ہوتا ہے. تو جو نئی, اور جب پی ایس ایل 5 جب کمپلیشن کی طرف جائے گا یا جو ڈیٹس اویلیبل ہوں گی اس میں کمپلیٹ ہوگا تو وہ پلے آفس ہوں گے, اور پرانا فارمیٹ بحال کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, پرانا فارمیٹ بحال ہوگا کیونکہ وہ زیادتی ہوتی ہے جو ٹاپ آف دا ٹیم جو ختم ہوتی ہے, جس طرح ملتان سلطان ہے انہوں نے لیگ کو ٹاپ کیا, تو ان کو 2 اپرچونٹیز ملنی چاہیے ٹو چیک ان ٹو دس فائنل. اوکے, تو وہ ان کا حق ہے اور ان کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اب جب بھی پی ایس ایل 5 ہوگا اس کے 4 میچز ہوں گے, 3 نہیں ہوں گے, 2 فائنل 1 فائنل نہیں ہوگا, نہ ہونا چاہیے اس طرح. صحیح. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ اگلے سال پی ایس ایل 6 میں ایک بات بڑی کلیئر ہو جائے گی کہ پاکستان بڑا سپورٹ لونگ نیشن ہے, بالکل کوئی سیکورٹی کا یہاں خطرہ نہیں ہے, انشاءاللہ کوئی بڑے سے بڑا پلیئر آنا چاہتا ہے اور جس ملک سے آنا چاہتا ہے اس کو بڑا ایزی فیل ہوگا کہ پاکستان آ کے میں میچ کھیل سکتا ہوں, اپنا جو میں اچھی بالنگ کرتا ہوں یا اچھا بیٹس مین ہوں تو وہ لوگوں کو میں شو کرا سکتا ہوں اور لوگوں سے داد اور لوگوں سے پذیرائی میں لے سکتا ہوں, اور جتنا میرا حال ہے دنیا میں پاکستان سے زیادہ کرکٹ کو سمجھنے والے فین نہیں ہیں, پاکستان سے زیادہ اچھی کرکٹ کھیلتے ہوئے اس کو اپریشیٹ کرنے والے فین نہیں ہیں. ہمارے ملک میں کرکٹ کو جتنی پذیرائی ملتی ہے, جتنی بیکنگ اور سپورٹ ملتی ہے, شاید ہی کسی اور ملک میں ملتی ہو. صحیح, تو وہ میرا سوال رہ گیا کہ کون کون سے پلیئر ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ اب اپنا وہ ٹائم پورا کر چکے ہیں؟ نہیں, یہ اس طرح کے جو پاکستان کے آپ اندر اگر دیکھتے ہیں تو بڑے ایسے, آپ دیکھیں سلمان بٹ تقریباً پی ایس ایل میں شاذ و نادر ہی نظر آئے, کامران اکمل تھوڑے آف کلر رہے, کبھی اچھا کھیلتے تھے کبھی نہیں کھیلتے تھے, اس طرح کے پاکستان کے کافی ایسے پلیئر ہیں جو کہ دے آر T12 آؤٹ آف دیئر کیریئر, تو ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ ینگسٹر کو تھوڑی سپیس دیں, خود ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا جگہ چھوڑے. جی جی, چلیے چلیے, عبد المعیشہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اور ایک مرتبہ پھر سارے اس پی ایس ایل کے دوران آپ نے جو اپنا ٹائم دیا اس کا ایک دفعہ پھر FM 100 اور اس کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ حافظ.
جی سمیر صاحب، اب آپ بتائیے کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا جب ہمارے یہ مہمان آئے، تو میں نے پوچھا تھا کہ پرفارمنس کے حوالے سے کون سے ایسے بلے باز ہیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیا اور ٹیبل پہ بھی ان کی جو ہے پرفارمنس نظر آ رہی ہے؟ سو دیور نمبر آف بیٹسمین جن کو ہم اپنے پروگرامس کے اندر بات کرتے رہے ہیں اور اوبویسلی ریپیٹیڈلی ان کا ذکر بھی ہوتا رہا ہے پروگرام کے اندر. سو اگر میں بات کروں پلیئرس کے پوائنٹ آف ویو سے، سو حیدر علی جو ہے وہ آئی تھنک ہی ہیز بین اے فائنڈ آف پی ایس ایل فائیو اگر ہم اس کو سمرائز کریں، الانگ ود خوشدل شاہ. خوشدل ہیز ریلی پلیڈ ویل ان ریسنٹ ٹائمز، بڑا زبردست انہوں نے لاسٹ اننگ میچ کے اندر بھی 29 بالز پہ بالنگ بھی اچھی کروائی اور بالنگ بھی انہوں نے جو ہے وہ بہتر کروائی. سو جنرلی اگر ہم بات کریں تو تقریباً اگر 30 سے 35 بیٹسمین اگر کھیل رہے تھے پورے ٹورنامنٹ کے اندر، سو تقریباً 10 سے 12 بیٹسمین ایسے تھے جنہوں نے 8 سے 10 اننگس کے اندر جو تھا وہ 200 رنز کا اسکور جو تھا وہ کراس کیا. سو اس لسٹ کے اندر اوبیسلی وی ہیو حیدر علی، انہوں نے تقریباً 239 رنز اسکور کیے ہیں اور 150+ کا ان کا اسٹرائک ریٹ ہے which is immaculate. اور اگر ہم بات کریں خوشدل شاہ کی، سو انہوں نے بھی تقریباً 175 آئی بلیو رنز اسکور کیے ہیں، ان کا بھی تقریباً 145+ کا اسٹرائک ریٹ، جتنا موقع ملا انہوں نے پروف کیا اور انہوں نے اپنے کو پروف کیا. اور شرجیل خان جو تھے وہ شروع میں اسٹرگل کر رہے تھے، وہی والی بات جو کامران اکمل کی پرفارمنس میں تھی کہ جناب پرفارمنس دے رہے ہیں کبھی نہیں دے رہے ہیں، سو ان کا بلہ بڑا زبردست چلنا شروع ہوا. اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کراچی کنگس کی ہسٹری کے اندر جو تھا وہ فرسٹ ٹائم جو تھا وہ 10 وکٹ سے جو تھا وہ میچ جیتا، انہوں نے بابر اعظم کی رن کی 150+ کی پارٹنرشپ لگی. سو انہوں نے بھی تقریباً 200 رنز بنائے ہیں اور تقریباً 140+ کا ان کا بھی اسٹرائک ریٹ ہے. سو آئی تھنک دیز تھری پلیئرز ہیو ٹاپ دا لسٹ. وی ہیو زیشان اشرف ان دس لسٹ ایز ویل، ہاؤ ایور آئی تھنک ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. سو دیز فور پلیئرز یا بیٹسمین شوڈ آئی سے ہیو ریئلی امپریسڈ اس، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو آلسو ایڈ اعظم خان فرام کوئٹا گلاڈیئٹرز، ان کی بھی پرفارمنس جو تھی شروع کے جو دو میچز شروع کے میچز کے اندر انہوں نے اچھا کھیلا، لیکن ابھی ان کو ٹائم چاہیے، ان کو ٹائم چاہیے. ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ آئی تھنک اٹس لٹل امیچور فار ہم، ہی از 21 اونلی، اور ان کو بھی ٹائم چاہیے، مینٹورنگ چاہیے، پریکٹس چاہیے. سو آئی تھنک وہ بھی ایک اچھا فیوچر پراسپیکٹ ہے ہمارا. اور دو نام اس کے اندر میں اور ایڈ کروں گا، شاداب خان اور عماد وسیم. سو دیز ٹو گائز امپریسڈ اس ود دیئر بیٹنگ ان دس ٹورنامنٹ ایز ویل الانگ ود دی کیپٹنسی. ان لوگوں کی جو کانفیڈنس تھا اور ان لوگوں کا جو ٹیم کے اوپر اپنا اعتماد تھا، آئی تھنک اٹ ریلی امپریسڈ اس، اور وہ ہمیں نظر بھی آیا ان کی پرفارمنسز کے اندر. اسلام آباد یونائٹیڈ انفارچونیٹلی جو تھے وہ ان کی بارش کی نظر ہو گئے میچز، یا ڈکفورد لوئس کی وجہ سے ان کا ایک میچ جو تھا وہ انفارچونیٹلی وہ ہار گئے ڈسپائٹ اسکورنگ 195 ان ون آف دا میچز. سو جنرلی اسپیکنگ آئی تھنک اٹ واز اے گڈ کیا کہتے ہیں سیزن ود ریسپیکٹ ٹو یو نو فائنڈنگ گڈ ٹیلنٹ ود ریسپیکٹ ٹو گڈ بیٹسمین ان دس ٹورنامنٹ. جی سمیر، بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ پھر. ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے اور بریک سے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے پاس کچھ وقت ہوگا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے گفتگو کریں گے. ایف ایم 100 اسلام آباد، اور میرے ساتھ محمد سمیر، مجھے کہتے ہیں ناصر راجہ، ساتھ رہیے گا ہمارے. On the way for commercial break. Stay tuned. کس نے کہا تھا پیسے بچا، فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا، موٹر سائیکل ٹریکٹر یا ہو کا چلے گی نہیں دوڑے گی، فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا، رکشہ ٹرک ہو یا ہو جیپ چلے گی روڈ پہ بیچو بیچ، یو پی ایس میں لگے جنریٹر میں اور سولر میں بند ہو کبھی نہ کسی سیلیبریشن میں، شہری گوٹ میں لگے گی بوٹ میں اس کو نہ کرے کوئی بیٹ، فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا، سات دن براؤزنگ کالنگ ٹیکسٹنگ میوزک چیٹنگ ویڈیو سٹریمنگ جاز سات دن براؤزنگ کالنگ ٹیکسٹنگ میوزک چیٹنگ ویڈیو سٹریمنگ جاز ویکلی سپر پلس اب صرف 222 روپے میں. ملاؤ *505# جیز دنیا کو بتا دو. ہاف سیف پہ دوڑی جائے بنا سٹاپ کے ہم کو بڑھائے زندگی کی گاڑی چلائے.
करता है AGS, AGS, ओ ओ ओ AGS, AGS, ओ ओ ओ गुज़िश्ता 50 सालों से हमारी क्वालिटी का सफर बुलंदी की जानिब गामजन है, ताके बढ़ती रहे लाइफ की गाड़ी और गाड़ी की लाइफ। AGS, बात है क्वालिटी की। हाय, हेलो, कैसे हो? इतने दिन से मिले ही नहीं। हाँ, तो संडे को ब्रंच करो ना। संडे नहीं, मंडे कर लो। क्यों? संडे को लॉन्ड्री डे होता है। इतने इजी काम को कितना मुश्किल क्यों बनाया है? अपनी मशीन चेंज करो। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने टॉलन्स फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसकी ट्रिपल वाटरफॉल टेक्नोलॉजी बनाए आपकी लॉन्ड्री को और भी आसान। तो अब लॉन्ड्री के लिए ना करना पड़े वेट और ना ही हो आपका संडे वेस्ट, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। जी जनाब, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं नासर राजा, एफ एम 100 इस्लामाबाद, मेरे साथ मोहम्मद सुमैर हैं। और जनाब जल्दी से आप मुझे बताइएगा, बैट्समैन आपने बता दिए, अब मुझे बॉलिंग के हवाले से बताइएगा कि कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी कारकर्दगी बड़ी शानदार रही। सो बॉलिंग के अंदर यही रहा कि ऐसे बॉलर्स इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, सो दे टॉप द लिस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द टूर्नामेंट। सो मोहम्मद हसनैन जो थे वो उन्होंने 15 विकेट्स लिए और इकॉनमी रेट उनका 9 का रहा। और शाहीन अफरीदी, आई थिंक ही वाज रियली इंप्रेसिव वन मैन आर्मी, खेलते रहे और अंदर की तरफ से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी रही डिस्पाइट इंजरी के, और 13 विकेट्स उन्होंने लिए। कई मर्तबा उनकी टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में भी रही है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आया। सो बड़ा अच्छा उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया। सो वहाब रियाज जो है वो बड़ा कंसिस्टेंटली बड़े हमेशा जो है वो हर जब बॉल कराने जाते हैं एक्सपीरियंस हैं और बड़ी कमिटमेंट से एवरी टाइम ही अप्रोचेस द पिच मुश्किल में डाले। सो ही कीप्स द बैट्समैन गेसिंग। सो उन्होंने 11 विकेट्स लिए और तकरीबन 8 का उनका इकॉनमी रेट था। सुहेल तनवीर ने हमें बड़ा इंप्रेस किया बैटिंग बॉलिंग दोनों के अंदर, और उन्होंने 10 विकेट्स लिए और 7 का उनका स्ट्राइक इकॉनमी रेट रहा। इमरान ताहिर ने जो थे वो लोन स्पिनर अलॉन्ग विद फ्यू परफॉर्मेंस रीसेंट परफॉर्मेंसेज ऑफ समित पटेल, तो इमरान ताहिर जो थे उन्होंने भी 10 विकेट्स लिए और तकरीबन 7.5 का 7.75 का उनका इकॉनमी रेट रहा। सो दीज बॉलर्स हु हैव टॉप्ड द लिस्ट सो फार ऑफ इन पीएसएल 5। अच्छा, इसमें बहुत सारे ये टेबल्स पे नहीं है, मोहम्मद आमिर की हम बात करेंगे, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, ब्रेक थ्रू दिया अपनी टीम को। इरफान थे मुल्तान सुल्तान्स के, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई। हमारे नसीम शाह हैं क्वेटा ग्लैडिएटर से, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई। मूसा थे, उन्हें कहीं कहीं मार भी पड़ी लेकिन उन्होंने जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने ब्रेक थ्रू भी दिया। नेल हैं, दिलबर ने भी आके अपना आप मनवाया है और उसने बताया कि मैं भी मौजूद हूँ। इसी तरह उमर थे जो स्पिनर्स थे, इसी तरह अली इकबाल थे, अली अरशद नाम था क्या, अरशद इकबाल थे, वो भी उन्होंने भी अच्छी, यानी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने बॉलिंग के साथ भी इंसाफ किया और उन्होंने बताया कि उनमें टैलेंट है, उन्हें ग्रूम करने की जरूरत है, उन्हें वक्त मिलने की जरूरत है, उन्हें जब थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला वो और ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। अच्छा, अब हम अपने जो क्रिकेट का जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम क्लोज करते हैं इस बात के साथ कि ये नशरियात जो खसूसी नशरियात थी आप तक पहुँचाने में एक पूरी टीम ने काम किया है। माशाल्लाह हमारे जो कामरान ख्वाजा साहब हैं जो स्टेशन हेड हैं, उन्होंने अपने विजन के मुताबिक हमें गाइड किया, हमें टाइम दिया और हमें कहा कि ये प्रोग्राम हमने इस तरीके से करना, और हम हर साल करते रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे। हमारी टीम में नईम साहब थे, आसिम थे और टेक्निकल लोग थे, सलमान थे, उन्होंने हमारा साथ दिया। और सुमैर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आप तवातर से आते रहे और आपकी फैमिली में थोड़ा सा कुछ घर में ऐसी चीज़ें थी जो अच्छी भी थी लेकिन उनको आपकी ज़रूरत थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आपको आने दिया और आपको बकअप किया और आपको यहाँ पर भेजा। उनका आपका भी और आपकी फैमिली का भी शुक्रिया, हमारी फैमिली का भी शुक्रिया, अपनी पूरी टेक्निकल टीम का शुक्रिया। तो जिस जिसका हम नाम नहीं ले सके उनका भी शुक्रिया। हमारे जो दूसरे स्टेशन पर इस वक्त टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं जो इस नशरियात को आगे तक चला रहे हैं उनका भी शुक्रिया। तो जनाब ये तो शुक्रिया का एक था जो हमें अदा करना था वो हमने कर दिया। अब दूसरी बात यह कि ये जो कोरोना वायरस वाली बात है, कौमों पे ऐसा वक्त आता है, पूरी दुनिया पे आया हुआ है
اور سارے اپنے اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز جو سمجھنے والی ہے وہ گھبرانے والی نہیں ہے، وہ لڑنے والی ہے، یعنی اس کا مقابلہ کر رہا ہوں. مقابلہ اس طریقے سے نہیں کرنا کہ آپ نے سینہ تان کے آگے کھڑے ہو جانا ہے، احتیاط کرنی ہے آپ نے، نہ صرف خود کو بچانا ہے، اپنی فیملی کو بچانا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے. اپنے ہاتھ دھونے ہیں، اپنا منہ دھونا ہے، اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ جتنی بھی بیماری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف سے شفا ملتی ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی. تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. توکل بھی جو حصہ ہے ہمارے ایمان کا، تو آپ توکل بھی کریں گے، آپ احتیاط بھی کریں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے، خود بھی بچیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت گزرے گا. اور ایک اور چیز جو ہمارے اس اسٹیشن نے ایف ایم 100 نے متعارف کروائی، جو پہلے بھی ہمارے دین نے بتائی تھی، لیکن ہم نے السلام علیکم السلام علیکم پاکستان کہہ کے پورے پاکستان پہ، اپنے پورے ملک پہ سلامتی کی ایک جو مہک تھی وہ آپ تک پہنچائی. تو آتے جاتے ایک دوسرے کو السلام علیکم اچھے طریقے سے کہیے، انگریزی سٹائل میں یا اور بڑے اس میں بچگانہ سٹائل میں شام علیکم نہ کہیں، اس سے یہ اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. اب اچھے طریقے سے سمجھداری سے السلام علیکم کہیں تو جو سلامتی کی دعا ہے. اور اس میں ہم جب بھی، ہمارا دین جب بھی کوئی ہمیں چیز سمجھاتا ہے، ہمیں کوئی چیز بتاتا ہے، تو وہ خالی 10 نیکیاں یا 10 ثواب نہیں ہوتے، بلکہ اس میں ایک پوری آپ کی زندگی، ایک پوری قدرت اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ پنہا ہوتی ہے، لیکن ہمیں صرف گائیڈ اس طرح کیا گیا کہ اس میں آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن وہ پوری ایک دعا ہے، پورا ایک فلسفہ ہے زندگی کا، جو بھی بات ہمیں دین نے بتائی. تو اس طریقے سے نماز بھی پڑھیے، اللہ کے آگے سر پر سجود بھی ہوئیے، گناہوں کی معافی بھی مانگیے، اور دوسروں پہ سلامتی بھیجیے السلام علیکم. اور ہم بھی آپ پہ، اپنے تمام سننے والوں پہ السلام علیکم السلام علیکم پاکستان کہہ کے سلامتی بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے، پوری دنیا کو محفوظ رکھے، پوری انسانیت کو محفوظ رکھے، اور ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ کس طریقے سے ہم نے اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے ہمسایوں کو، اپنے ساتھ والوں کو، اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. جی اپنا سمیر، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کا بھی شکریہ بہت. جی بالکل، تھینک یو ویری مچ. آئی وڈ اسپیشلی لائک ٹو تھینک ایف ایم 100 پاکستان کی مینجمنٹ، انہوں نے کانفیڈنس دیا. راجہ صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے بڑا گائیڈ کرتے رہے تھرو آؤٹ مجھے. راجہ صاحب کی ایبسنس کے اندر علی کاظم اور دوسرے وزیر آفتاب، انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہمارا. زہیب تھے ہمارے ایک اور پارٹ، انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. بہت اچھا رہا، اور آپ لوگوں کا بڑا سپورٹ رہا، اچھے کامنٹس ملے، سو اس کا بھی مجھے بڑا کانفیڈنس ملتا رہا. سو بہت شکریہ مائی وائف بسمہ، مائی سسٹرز نریمان اور سارا، اور مائی مدر اینڈ مائی انکل شاہ نواز، ان کا بڑا سپورٹ رہا، بڑی دعائیں کرتے رہے بیچارے میرے لیے. اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ایوری ون. اور ان شاء اللہ آپ لوگ بھی دعا گو رہیے ہمارے لیے بھی، اور آپ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. اور ان شاء اللہ اگلے سال پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور دیٹس اٹ. اور جناب زندگی میں کامیابیوں کے لیے دعائیں بہت پر اثر ہوتی ہیں، اور آپ کا بہت وہ ایکٹیو رول ادا کرتی ہیں. آپ اپنے لیے بھی دعا کیجیے، پورے پاکستان کے لیے دعا کیجیے، ایف ایم 100 کی پوری ٹیم آپ کے لیے دعا کرتی ہے. السلام علیکم، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ. On the way for commercial break. Stay tuned.